आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जितेंद्र अवार्ड की। जी हां, पिछले दिनों जितेंद्र अवार्ड पर हुए हमले के बाद अब जो है तमाम जगहों पर जो है उनके ताल्लुक से मोर्चे निकाले जा रहे हैं, धरने निकाले जा रहे हैं, बल्कि उनके ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि उन्हें सख्त से सज़ा मिलना चाहिए जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। साथ ही साथ लोगों के बयान भी मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं और आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है शफकत खान साहब। जी हाँ, ये NCP महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ये हमला बुजदिलाना हमला था और जितेंद्र अवार्ड साहब इंसाफ पसंद है और वो सभी जाति धर्म की आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसलिए वो ऐसे हमलों और धमकियों से डरते नहीं हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। देखिए, सबसे पहले तो इस हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जितेंद्र अवार्ड साहब हमेशा जो है दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, सच के साथी हैं, संघर्ष करते हैं और जहाँ पे भी कुछ भी इस तरह की होती है तो उस पर बढ़ चढ़ कर वो उस मुद्दे को उठाते हैं। हाल ही में जो विशालगढ़ कोल्हापुर में मुसलमानों की इबादत गाह पर हमला हुआ और साजिशन हमला हुआ, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है और कलेक्टर के जानकारी में होते हुए वहाँ के लोगों ने लेटर दिया, पुलिस अधिकारियों को दिया, उसके बाद भी हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ, कुरान शरीफ फाड़ी गई, उसके ऊपर सारे लोग चुप्पी बना के बैठे हुए थे पर अवार्ड साहब खुलकर उस पर बात की उन्होंने और अपनी बात को रखी, मजम्मत की उसकी और वहाँ का दौरा भी किया, लोगों से भी मिले, सब कुछ हुआ। उसके बाद उनको धमकी दी गई लेकिन वो अपने स्टैंड पर खड़े रहे, अड़े रहे कि नहीं भाई, मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसके बाद उनके ऊपर एक कायराना हमला किया गया रोड पर चलते हुए और इसमें कहीं ना कहीं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुसलमानों की जो आवाज़ एक उठने की कोशिश होती है उसे हमेशा सरकारें दबाती आई है। जितेंद्र अवार्ड मुसलमानों की आवाज़ है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन वो सब बेवकूफ़ है, वो नहीं जानते शायद जितेंद्र अवार्ड साहब को कि वो इस तरह की चीज़ें से टूटने वाले नहीं है, वो और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग जितने कार्यकर्ता है NCP पार्टी के जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मजबूती से लगे हुए हैं। और दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर है इस सरकार में इतना विफल हो गया है कि एक माजी मंत्री पर, कई बार के मंत्री पर रोड पर मुंबई जैसे महानगर पर इस तरह का हमला होता है और सरकार जो है उस पर देखते रहती, कई बार उनको जान से मारने की धमकी आई इससे पहले, उसके बाद भी सरकार उनको सिक्योरिटी उनकी नहीं बढ़ाती कि उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे, इनके उनके जान के ऊपर हमला कितने करने की साजिश हो चुकी है, बड़ी बड़े लोगों ने धमकी दी है। तो मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा, शिंदे साहब में यही रहते हैं एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उनको कहना चाहूंगा कम से कम एज अ CM तो आप विफल हो गए लेकिन कम से कम जो पड़ोसी है, आप थाना के हैं, अवार साहब भी थाना के हैं, तो उसके लिए तो कम से कम ये रखे कि पड़ोसी के नाते तो कम से कम ये रहना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए राजनीति में। बाकी अवार साहब तो दूसरे ही दिन से लोगों से मिल रहे हैं, आना जाना उनका चालू है, वो रुकने वाले नहीं है, सब कायराम नहीं है, धमकी हमला कोई कुछ भी करेगा उससे वो रुकने वाले नहीं, वो आवाज़ उठाते रहेंगे। मुसलमानों की बेबाक आवाज़ है, मुसलमानों को भी चाहिए कि दमखम के साथ लगे रहे, हालांकि मुसलमान अवार साहब के साथ खड़े हैं और पूरे स्टेट के नहीं, ये अब तो इंडिया लेवल का मुद्दा हो गया है क्योंकि जो पहली बार घटना हुई महाराष्ट्र में कि किसी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है तो सारे देश के मुसलमान इसको देख रहे, महाराष्ट्र के तो देख ही रहे और हम सब उनके साथ हैं और जो भी इसके पीछे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से तो हम यही मांग कर सकते हैं।